बिहार की रहने वाली रतन राजपूत का नाम छोटे पर्दे का जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग के जादू से सबको हैरान कर दिया है। टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत बिहार के एक पिछड़े गांव से हैं। मूल रूप से रतन समस्तीपुर जिले के वशिनपुर बेरी गांव की रहने वाली हैं। 20 अप्रैल 1987 को रतन का जन्म हुआ था। इस वक्त उनकी उम्र 29 साल है। हालांकि रतन राजपूत अपने गाँव में ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाती हैं। रतन टीवी सीरियल्स में अक्सर साड़ी में नजर आती हैं। उन्होंने कई सीरियल्स में ग्रामीण महिला का करेक्टर प्ले किया है, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। इसका अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ देने वे शॉर्ट्स पहनकर गंगा घाट पहुंची थी। हालांकि रतन राजपूत की चर्चा छठ पूजा से ज्यादा उस वक्त उनके पहने कपड़ों के कारण ज्यादा होती है। बता दें कि इस ट्रेडिशनल त्यौहार पर महिलाएं साड़ियों में नजर आती हैं, लेकिन रतन शॉर्ट्स पहनकर अर्घ देते नजर आ चुकी हैं। उनके पिता श्री राम रतन सिंह राज्य सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं। वर्तमान में उनका परिवार पटना में स्थित एक अपार्टमेंट में रहता है। रतन राजपूत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वे कॉल गर्ल का रोल प्ले करना चाहती हैं, यह उनका ड्रीम रोल है। रतन के मुताबिक मौका मिलने पर वो इस किरदार को जरूर निभाएंगी और वैश्या के जीवन की उन पहलुओं को उजागर करेंगी जिनसे ऑडियंस अभी तक अनजान है। रतन की पढ़ाई यूपी के मेरठ जिले से हुई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली चली गई। दिल्ली आकर के एक थिएटर में काम किया। रतन राजपूत ने थिएटर में निर्मला और मैला आंचल जैसे रोल प्ले किए। उनको बचपन से एक्टिंग का शौक था, लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसके बाद उन्होंने NDTV इमेजिन के सीरियल राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी में तीसरी बेटी रुचि का रोल प्ले किया। जब राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी सीरियल्स बंद होने वाला था, तब उन्हें अगले जन्म मुहे बिटिया की जो, और यही सीरियल रतन की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस वक्त NDTV सीरियल संतोषी माँ में रतन राजपूत संतोषी माँ का रोल कर रही हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।